फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। ये तो करता है कि रीना वर्मा पे बात करूँ, जो माँ जैसी हैं, जो बिल्कुल दादी जैसी हैं, उनका मीठा लहजा, उनका उनकी सादगी, उनकी सारी देसी ब्यूटी। मैं अक्सर कहता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि क्या फ़र्क है हम में और उनमें। 75 साल बाद लौटी वो अपने घर में, और सलाम है उन लोगों को जिन्होंने वो घर भी रीना वर्मा के नाम कर दिया। दिल बड़े होने चाहिए, कहीं लगता है उनकी जबान से, उनके रख रखाव से, उनके भेदभाव से कि मज़हब अलग है और मज़हब की बुनियाद पर हम एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करें, फिरकों की बुनियाद पर या जबानों की रंग की बुनियाद पर, कि लेन देन सबसे बड़ा होता है नरमाहट, सोफिस्टिकेशन, एलिगेंसी। कैस मैंने टीवी पे देखा, कह रही थी मुझे मरी भी जाने दो, इस्लामाबाद भी पता नहीं जाने दिया कि नहीं जाने दिया है, कि एक 90 साल की बुढ़िया से भी शायद कोई ख़तरा हो सकता है। दोनों ये मुल्क ऐसे हैं कि बस इनकी बेहसी और इनकी वहशत का अंदाज़ा लगाना हो, वो मछेरे जो कराची से आते हों या राजस्थान से, उस तक बॉम्बे से, कि बेचारे नाखांदा, उन्हें क्या पता कि समंदर की हदूद कहाँ शुरू होती हैं, ख़त्म होती हैं, बरसों सालों अंदर रहते हों। एक अजीब मरसिया है ये, इतना बड़ा नौहा है कि पढ़ते जाइए। खैर, तो आपने देखा कि जब टिट फॉर टैट हुआ और मुस्लिम लीग नून और तहादू ने फैसला किया कि नहीं, अब ताकत का तवाज़ुन ताकत से कायम होगा, और बहुत हो गई ये इमरान डू जज कि अपनी नई नई तशरीहात के जिधर चाहे उधर कर दे, जैसे चाहे जब चाहे। हम उस पर भी आगे आएंगे, मगर ये काम जो आज इत्तेहादी हुकूमत ने किया है, ऐसे 3 माह पहले करने लग चाहिए था, बल्कि उससे भी पहले कर लेना चाहिए था, कि समझाने बुझाने के मरहले से खासा और उनकी टीम गुजर चुकी थी। एक पार्टी अगर गाल मुसलसल आगे किए जाए तो वो कमजोरी और बेशर्मी की भी निशानी होती है, और हमारे मज़हब ने तो कहीं ये नहीं कहा कि कोई एक गाल मारे एक थप्पड़ एक गाल पर तो दूसरा गाल ऐसे कर दो, नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से दो। क्योंकि नई सोशियो पॉलिटिकल नॉर्म्स ये नहीं है, मगर खित्ते का प्रॉब्लम है, समझाना पड़ता है कि जनाब असेंबली में हुआ जब मुजफ्फर शाह ने किया तो कुछ नहीं हुआ था, कि सारे वोट कैंसिल हो गए और वह 2 जुमले कह के उठा और सारा खेल पलट दिया। यहाँ खेल पलटा, गलत सही एक अलग बात है, वो तो अदालत में है ना, उस अदालत पे भी बात कर लेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ दौड़े। मगर ये भी जहन में रखें कि सुप्रीम कोर्ट पे ये मुस्लिम लीग पहले चढ़ी थी, ये मकाफाते अमल है ना, सब कुछ सामने भी तो आना है। मगर हम ये नहीं कह सकते कि अगर सुप्रीम कोर्ट पर मुस्लिम लीग कभी 90 में चढ़ी थी तो आज इनका चढ़ना जायज़ है। जंगले कूद गए और फिर रात के 12 बजे दरख्वास्त कम्प्लीट भी नहीं, एप्लीकेशन पटिशन रजिस्ट्रार आकर बैठा हुआ है इंतज़ार में। चलो सब कुछ हो गया ना, फिर जलसे जरूर शुरू हो गए कि निकलो तोड़ो लूटो, लिबर्टी पे जमा हुए थे तो ये भी लिबर्टी पे ही जमा हुए, और कह दिया ना कि फस्तायत का मिल के मुकाबला करेंगे, और फुल कोर्ट नहीं बना तो फैसले नहीं मानेंगे, और भूल जाओ कि पीछे धकेल कर तुम इंतखाबात में चले जाओगे, इलेक्शन हो जाएंगे, इंतखाबात नहीं होंगे। तो क्या हुआ, जब लहजे में सख्ती आई, धमकी आई, बराबर का अंदाज़ा हुआ कि अब मामला बहुत संगीन होता जा रहा है, इकॉनमी तो पहले ही डूबी हुई है ना, जो बचा कुचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो अलवी साहब का ब्रेक थ्रू हुआ। हेडलाइन स्टोरी चली कि नेशनल इंटरेस्ट में आके बैठना चाहिए, मीडिया भी, इस्टेब्लिशमेंट भी, अवामी उमंगों के मुताबिक हुकूमत बनाई जाए। इसके 2 मानी होते हैं, एक तो यह कि वो खान साहब की हुकूमत की बात कर रहे हैं, मगर जो गुफ्तगू का बैकग्राउंड उससे लगता है कि वो कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं और अवामी हुकूमत की बात कर रहे हैं, कि जनाब जो इलेक्शन से जीत कर आ जाए तो
तो पेशेंस के साथ उसे बर्दाश्त किया जाए, अपोजिशन वैसी हो जैसे दुनिया में डेमोक्रेसी में होती है, इसके बहुत सारे मतलब हैं। मगर एक ब्रेक थ्रू तो हुआ कि रियासत बचानी है। देखें, ये मामला ऐसे आगे बढ़ा, हमारी सहाफत में लोग ना होने के बराबर हैं जो दोनों तरफ बल्कि चारों तरफ गुफ्तगू कर सकते हो, मगर हैं। आपने देखा कि सुहेल राइट हर हल्के में काबिल कबूल हैं, मुस्लिम लीग के भी करीब हैं, पीपल्स पार्टी के भी करीब हैं, और तहरीक इंसाफ में भी उन्हें कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं समझा जाता कि वो कहीं किसी के ट्रोलर हैं या किसी के साथ खड़े हुए हैं, उनके लहजे में कोई सख्ती नहीं है, वो नरमाहट से बात करते हैं, और फिर वो इस्टेब्लिशमेंट को भी काबिल कबूल है। फिर दूसरी तरफ शामी साहब, जो अगर पीपल्स पार्टी को काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि उनसे भी अब उनके अच्छे ताल्लुक हैं, तो मुस्लिम लीग नून इस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल है। तो खान साहब से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कायल किया, और ये बहुत अच्छा स्टेप था कि भाई कहीं से तो बर्फ पिघले ना, कोई तो आगे बढ़े। तो इन दो लोगों ने वो बर्फ पिघलाई और खान साहब को रजामंद किया, और खान साहब ने कहा कि वो सदर अलवी को खत लिखेंगे, और शायद वो खत लिखा या टेलीफोनिक बात हुई, और खान साहब राजी हो गए। बहुत बड़ी बात है, अब खान साहब उस पर कायम रहेंगे। उनके माजी को देखते हुए और उनके पॉलिटिक्स को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो क्या कायम रहेंगे, वो चोरों डाकुओं के साथ इन्वर्टेड कामों में बैठेंगे। अगर खान साहब को एहसास हो गया है कि ये रियासत हिल चुकी है, ये अपने पैरों पे अब नहीं खड़ी है, और वो एस्टेब्लिशमेंट जो न्यूट्रल तो हो गई है, मगर उसके कुछ लोग न्यूट्रल नहीं होके दे रहे, उनकी समझ में नहीं आ रहा, वही अदलिया पर असरअंदाज हो रहे हैं और नई नई तशरीहात की जा रही हैं। वैसे ये 63, 62 ये भी मुस्लिम लीग नून को सजा है कि 18वीं तरमीम के मौके पे पीपल्स पार्टी, MKM, बाकी सारी जमातें तो इसे ख़त्म करना चाहती थी ना, मगर नहीं, इन्हें चाहिए थी ये नैब और ये 63, 62, 63A जो है, ये मुस्लिम लीग नून को चाहिए थी, क्योंकि इनका इनके दिमाग में फतूर था ना कि सबको तंग करना है, तो आज इसी का यही शिकार है। देखिए, जिसने जो जो किया है वो फेस करता जा रहा है, और उससे आला पैमाने पर फेस कर रहा है, तो ये फस्ताइयत फैलाने में सबका हाथ है, ये उरूज है। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ी खबर है, अब इसमें गुफ्तगू क्या होगी। यकीनन खान साहब तो कहेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर हटाओ सबसे पहले, तो क्या ये मानेंगे, इलेक्शन के रूल रेगुलेशन क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करते हैं ये नहीं मानते, यकीनन कोई बीच का रास्ता निकलेगा। अच्छा, फिर असल मसला है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसके साथ चार्टर ऑफ इकॉनमी भी होनी चाहिए। आज इकॉनमिस्ट कह रहे थे, पाकिस्तान के टॉप नॉच इकॉनमिस्ट, कि जब तक पॉलिटिक्स को और इकॉनमी को अलग नहीं करेंगे, 10-15 साल की इकॉनमी नहीं, पॉलिसी नहीं बनती, हालात बहुत खराब है। सियासत बंद करके रियासत बचाओ का नारा लगाना होगा, कोई हकूमत में आए कोई जाए, इकॉनमी पॉलिसी नहीं छेड़ सकता, तब तो शायद हम बचत का रास्ता इख्तियार कर लें और हम कौमों की बरादरी में अपना मुंह दिखाने के काबिल रहें, अदरवाइज लगता कुछ नहीं है। देखें, जिस मुल्क की अदालतें हैं, जिस मुल्क के हकूमतें ख़त्म हो जाती हैं और वो अपने अवाम से बेईमानी पर उतर आती हैं, तो यही कुछ होता है। श्रीलंका को ज़रा गौर से देखें कि उसके सिम्टम कैसे आए थे, कि मालियाती करप्शन और सोशो पोलिटिकल के आस अनार्की 15 साल पहले से जाहिर हो रहा था ना, इनमें से कोई ऐसी चीज है जो आपके नहीं है, गौर से देखें। मालियाती करप्शन का जो हाल है वो कैसे होती है मालियाती करप्शन, यकीनन हुकूमत की नाहलियों से होती है, गफलत से होती है, कुर्बा परवरी से होती है, बदनीयती से होती है। एक इकॉनमिस्ट बता रहे थे कि डिफॉल्ट की निशानियां क्या है, डिफॉल्ट की निशानी यह है कि श्रीलंका का बॉन्ड जो था वो 45% गिर गया था, तो लोगों ने कहा था अभी डिफॉल्ट हो रहा है, आपका बॉन्ड 50% गिर चुका है,
और एक इकोनॉमिस्ट ने कहा कि कलेक्टिव जो सरमायादार है, जो इन्वेस्टर है, उसका कलेक्टिव विजडम जब 50 पे आ गया तो ये बता रहा है कि अब आप खरीदने काबिल नहीं, आप डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये बुनियादी निशानियां हैं। करप्शन देखें या बदनवानी नाहली देखें कि आप, मैंने लिख के रखा है कि 32 बिलियन डॉलर की टोटल एक्सपोर्ट करते हैं, 31 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानियों से मिलता है और इंपोर्ट ले गए 80 बिलियन डॉलर तक। कहां तक? 80 बिलियन तक। और फिर माशाल्लाह से कहते हैं कि जनाब के 2500 अरब रुपए सालाना तो प्राइवेट इंटरप्राइजेस पर जाय होते हैं। कितने? 2500 अरब डॉलर, अरब रुपए। 1000 अरब रुपए की गैस चोरी होती है या लीक हो जाती है, 404 बिलियन डॉलर अबव बताते हैं। वे कहते हैं कि जी 2500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। अच्छा, ये जो गैस बिजली चोरी है ना, ये नहीं रोक सकते आप। आपके जो गुर्बत है, फिर जो वेदर है, वो क्या करें ये बता दें ना। या तो उन्हें ये कह दें कि तुम 500 साल पहले अभी वहीं रहते हो, तुम लौट के अभी आए ही नहीं, तुम आगे बढ़े ही नहीं हो। मगर वो कहीं ना कहीं से किसी दरस से झांक कर देख लेते हैं कि रोशनी आ रही है, उन्हें पता चल जाता है। और मजहब कहता है ना कि भूख में हराम जायज है। अगर ये आप करप्शन, अच्छे जो रोजाना की करप्शन है कि बाज मैशेदान जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि सालाना कम से कम 15000 अरब रुपए की करप्शन होती है आपके मुल्क में। अच्छा, डेमोक्रेसी को सब एस्टेब्लिशमेंट को भी कह देते हैं। एस्टेब्लिशमेंट तो खैर है असल जिम्मेदार, मगर जो असल जो मामला सारा खराब हुआ ना, सीज कर दिया सोसाइटी को मुकम्मल तौर पे। कैसे सीज कर दिया? कि आपके यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी करप्ट तो थी, उनका वर्कर, आपका सरमायादार, आपका ताजिर, आपका दुकानदार, जो थोड़ा सा इन्फ्लुएंसर हुआ उसे होल्ड कर लिया गया, उसकी फाइल बना ली गई, दिखा दी गई कि ले हुजूर अब तेरा ये हाल होगा। तो आपके सिविल सोसाइटी बिल्ड नहीं हुई। आप मुहर्रम का जुलूस में तो आपने देखे होंगे ना 50000 लोग। अल्ताफ हुसैन के जलसे में भी आपने कहते हैं 5-5 लाख लोग होते थे। इमरान खान के जलसे में भी दावा होता है कि 2-2 लाख लोग आए। नवाज शरीफ के भी जलसे हुआ करते थे, मगर कभी ही आपने अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों के हवाले से सिविल सोसाइटी कोई ऐसी है आपकी कि उसने थानादार कल्चर से लेकर बिजली की चोरी से लेकर और बदनवानी और अदालती मामला से लेकर कभी कोई 20000 लोगों का जुलूस निकाला हो? मखसूस दिनों पे 15-15, 20-25, 40 लोग जमा होते हैं, वो भी कहते हैं किराए पे लेकर आते हैं। जब तक सिविल सोसाइटी बड़ी नहीं होती ना इशू पे, जो आपकी जिंदगी के मेजर इशूज हैं उन पे चेक एंड बैलेंस आपकी तरफ से नहीं होगा तो तसव्वुर भी मत कीजिएगा, सोचिएगा भी मत कि यहां कभी डेमोक्रेसी आएगी। क्या आई थी? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था तो क्या हुआ था? ये नवाज शरीफ जिसने साइन किए, हुकूमत में भी शामिल हुए, अपने वजीर क्यों निकाले थे? किसी के कहने पे निकाले थे ना। फिर तहरीके बहाली अदलिया जो ड्रामा था उसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी वायलेशन की गई थी। फिर कराची ऑपरेशन, सिंध ऑपरेशन, फिर सेनेट का इलेक्शन, रजा रब्बानी, धज्जियां उड़ा दी थी। आज खान साहब बैठ जाए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे भी, इलेक्शन पे भी, क्या गारंटी है? क्योंकि आप वायलेटर तो आप सब हैं, सब ने अपना अपना काम दिखाया है, छोड़ा किसी ने नहीं है। तो मगर खुश आए गए कि खान साहब राजी तो हुए। वो तो कहते थे मैं मर जाऊंगा, बैठूंगा नहीं। और अभी भी मैं तो पहले कह चुका हूं कि खान साहब मान भी गए तो हुनोस के अपनी कोई टीम बना दे और कहें कि मैं तो शहबाज शरीफ के साथ और जरदारी के साथ नहीं बैठूंगा। वो तो सिक्योरिटी कमेटी में भी नहीं बैठे थे ना। तो अभी मामला वहां तक नहीं सुलझा है, मगर मेरा यकीन है कि जो हालात हैं, जहां जाकर खड़े हो गए हैं, और देखें 36 अरब डॉलर का इशू है, 31 बिलियन डॉलर
मौजूद है, कहते हैं कि जी एलसीबी रोक दी है, सारा कुछ रोक दिया है, और $1 अरब देने को तैयार है आईएमएफ, मगर वो पहले कहता है पहले 4 अरब तो दिखाओ जो नुकसान है तुम्हारा, 16 अरब आपने कर्जे में देने हैं डॉलर, और 16 अरब का आपका तजारती खसारा है। तो ये हम तो $1 बिलियन दे रहे हैं, 31 आपके पास है, 32 हो गए, 4 अरब दिखाएं, उसके लिए सऊदी अरब से कहा जा रहा है, वो मान नहीं रहा। अच्छा, फिर इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जुलाई में आईएमएफ का फैसला हो जाना चाहिए था, आपको पैसे मिल जाने चाहिए थे, 4 हफ्ते आगे चला गया, अगस्त के एंड पर बात चली गई। तो ऊपर से ये हमजा का वाकया हो गया। अच्छा, इस हमजा के वाकये पे एक लतीफा पड़ा, इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती, कि जो फैसला दिया है ना अदालत ने कि तुम्हारा निकाह दुरुस्त नहीं है, मगर तुम 2 रातों के लिए अबूरी निगरा शौहर रह सकते हो मखसूस इख्तियारात के साथ, कि निकाह तो दुरुस्त नहीं हुआ तुम्हारा, मगर यह कि तुम्हें 2 दिन दे रहे हैं कि तुम निगरा दूल्हा हो भी, और 2 रातें दुल्हन के साथ गुजार सकते हो, और मगर तुम चेक एंड बैलेंस है, तुम पे नजर भी रखी हुई है। देखिए, ये अदलिया जो है ना सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में मौजूद है कि पार्टी हेड उसकी मकबूलियत जो है वो वोट में ट्रांसलेट होती है, उसके गिर्द पार्टी घूमती है, ये पाकिस्तान की जमहूरियत में है, यहां नहीं है। और नवाज शरीफ को सरबराह नहीं रहने दिया गया था सदर, कि जनाब आप तो अहम फैसले करते हैं सारे, इसकी आईन इजाजत नहीं देता। अच्छा, यहां कह रहे हैं 63A में पार्लियामानी लीडर जो है वो फैसले करता है, यहां सदर गायब हो गया, जो पार्टी मेन लीडर है उसकी कोई हैसियत नहीं है क्योंकि उसमें जिक्र नहीं है। मगर मसला क्या है, नीयत का है। अगर जिक्र नहीं भी है तो जब पिछले फैसलों में मौजूद है और इसी सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया है कि जनाब आपका जो लीडर है वही सब कुछ है, उसी की पॉपुलरिटी वोट में ट्रांसलेट होती है, तो वो पार्लियामानी लीडर को कैसे नहीं कह सकता कि तुम इसे वोट दोगे इसे नहीं दोगे। अगर ईमानदारी से पूछें, अखलाकी तौर पर जुर्म किया चौधरी शुजात ने, मगर आईनी तौर पर दुरुस्त किया है, मगर जजेस वो कहते हैं ना, नई गजल जब गजल होती है तो अच्छी गजल हो तो हर बंदा अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक ले रहा होता है उसे, अपने मानियों में अपने हालात में, मगर शायर कहता है कि नहीं असल बात मुझे पता है। तो ये वो अदलिया है कि भाई तुम हमने जो फैसला किया है उसकी तशरीह भी हम ही करेंगे, और हर बार नहीं करेंगे, नए मफहूम बताएंगे। इस रोशनी में देखें सारे मामलात को कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, कि बहस हो रही है कि जनाब वो एक्सपोर्ट बढ़ाएं। तो मेरा सवाल यह है कि आपके पास ब्यूरोक्रेसी है, लीडरशिप है एक्सपोर्ट की, आपके पास तो स्किल वर्कर भी नहीं है, मजदूर जिसे लेबर कहते हैं ना, एक बहुत बड़ी पावर एनर्जी चलाने वाली कंपनी के नौजवान लड़के जो अमेरिका यूरोप से पढ़े हुए हैं, बड़े हम्बल बड़े एलिगेंट, उनसे मेरी बात हुई थी जब मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान गया था, तो बात हो रही थी कि कैसे तरक्की हो सकती है, कैसे मामला आगे बढ़ाया जा सकता है। तो उनका सबसे बड़ा तो यहाँ मजदूरी नहीं मिलता। मैंने कहा क्या मतलब, यहाँ तो मजदूरी सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा नहीं हुजूर, चाइना का जो मजदूर काम करता है ना वो हमारे मजदूर से 3 गुना ज्यादा करता है। ये भी एक टेक्निकलिटी है और टैक्टिक्स है, इसकी भी एक बात, ये भी एक स्किल है, हमारा मजदूर काम ही नहीं करता। अच्छा, फिर इन्हीं इकोनॉमिस्ट ये पूछें कि एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करते हैं, कहाँ बढ़ाएं, वही टेक्सटाइल की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी, और वहां आके ही अटक जाते हैं, तीसरा नाम नहीं आता उनको भी। मतलब जहनी तौर पर दिमाग बंद हो गए ना, अगर ईमानदारी से देखा जाए तो। बात यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट भी अब बैठे, ये एस्टेब्लिशमेंट भी बैठे, ये मीडिया भी बैठे, ये सियासतदान भी बैठे, सर जोड़ के बैठे, और इंतखाबात मसले का हल नहीं है फौरी तौर पर, क्योंकि अभी इनमें इतनी टॉलरेंस नहीं है, खासा मान भी जाए। एक कौमी हुकूमत चंद सालों की जो इकॉनमी के एजेंडे पर आए और उन अफराद पर मुश्तमिल हो जो इकॉनमी को समझते हो, वो पब्लिक के लोग ना हो, उनका पब्लिक से लेना ही ना हो। हालांकि जजों का भी नहीं होता, मगर ये टीवी देखते हैं इसलिए इनको सब पता होता है क्या फैसले करने हैं,
अभी जो बातें हमने सुनी अगर उसकी डिटेल में जाएं तो डर लगने लगता है। तो बहरहाल इसमें आपका अपना असल रोल है, या आपने तय करना है कि आपने ये रियासत चलानी है, बचानी है, या रेत की तरह मुट्ठी से फिसलती तो जा रही है, इसे रोक लेना है या जाने देना है। अल्लाह हाफिज़।